तीर तलवार कमाल नहीं चल रहा है चालू सुबह। आज अब लाल चाचा जी की देवर मार खान लोग का जो बेइज्जती हुआ अगर वो भी किला सिरसा कर बनारस किला के आदमी तो पता चल जाएगा तो किसी को बोलने के लिए नहीं देंगे। स्वामी जी चलिए खैर जब यहाँ पहुंच रही हूँ तो जब तक देवर की बात छुड़ाओगी नहीं तो लौट कर मोदी किला जाओगी नहीं, चाहे सोना रानी की प्राण सोबिया ले ले या सोबिया की जान मेरे हाथों से चली जाए मुझे मंजूर है, लेकिन देवर को छोड़ कर नहीं जाएंगे। अरे देवर से मैंने वादा करके आई कि सना पुलिस आज के बहुत जल्द आएगी, देवर इंतजार करते हैं।
वैसे तुम क्या खाने के लिए चाहती है राजा? बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धोध वाले दाढ़ी वाले मेरी नटवर किला में आया था। बेचारा उदास होकर के वापस लौट गया। युद्ध करते करते बेचारा थक गया। एक दिन मैंने गजन करने के लिए नहीं छोड़ी हुई, सबके सब हार मान कर वापस मेरे किला से वापस रिटर्न हो गया है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम्हारा जान प्यारा है या शादी। वैसे तू भी कान खोल करके सुन ले, न बाबू रुद्र सिंह को जिंदगी जीने का शौक है न मरने का डर है। वैसे तुमने राज मोहब्बत का कहानी मुझे सुनाई है, भाभी आई थी, मेरे भाई आए थे, बनास किला से चाचा लोग आए थे, ये सब कहेंगे तो हार मान करके बाबू रुद्र सिंह हमारे साथ शादी कर लेगा। वैसे सर्वता सर्व हूं, वरना सर को झुका नहीं सकता। तुम तरफ तरफ करके मर जाएगी या तरफ तरफ करके बाबू रुद्र सिंह मर जाएगा, फिर भी तुम्हारे साथ पेशिया शादी नहीं करूंगी। तुम पल भर में तुम्हें गुमान तोड़ सकती हूँ, लेकिन उसे तुम्हें मारूंगी नहीं, तार पा कर तुम मारूंगी। तुम अब इसी जगह पैर घर में बंद रहो, बेशक चली अपने महल को, जरूरत पड़ेगा तो बुला लेना। कोई मतलब नहीं है किसी से। शादी तो नहीं किया? अच्छा, क्या नहीं किया है? अभी तक वो बेशक के हाथ से मैंने पानी तक नहीं पिया। शादी को कौन पूछता है? मैं इस बात को जानता, जब तक तुम अपने भाई और भाभी का इजाजत नहीं मिलेगा तुम आगे कोई कदम नहीं उठाओगे। लेकिन आई हुई है, मैं तुझे अपने बंधन से आजाद करता हूँ। क्या आज मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि जाकर के उस आरामदादी से बोल कि मैं आज से शादी करने के लिए
है भाई साहब, इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ के तलवार मेरे गर्दन पर चला दीजिए और इस वेश्य वर्ण के साथ मुझे शादी मत करवाइए। तुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को नरक में डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रुदर सिंह, अभी तक तुम्हें राजनीति के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि तुम जंगल का शेर था। राजनीति सीखना है तो मुझसे सीख। आज से